Hello and welcome to this live session in YouTube. Here I am Upendra Pradhan at an academy. So today this is the second session of our MCQ session, that is the lithosphere upar am discussion gura koruchu. Okay, amar jo discussion gura chalichi previous got the class ru, that is specifically on MCQs that will be related to lithosphere और दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ विषय आम डिस्कस करूँ. आज भी आम दसटा क्वेश्चन डिस्कस करवाऊपर ठीक अच्छे. सो बिफोर दैट लेट मी शो यू सम ऑफ द प्रमोशनल स्लाइड्स. किसी प्रमोशनल स्लाइड्स मुझे देखे दिए देन विल स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द बैच दैट इज द समिक सामर्थ्य बैच. दिस इज द सामर्थ्य बैच सामर्थ्य. दिस इज फंडामेंटल कोर्स फॉर एएसओ सेक्रेटरीट. ओके दिस इज द फंडामेंटल कोर्स फॉर एएसओ सेक्रेटरीट दैट इज बैच 9. इन दिस बैच वी हैव जोगेश प्रधान सर मैथमेटिक्स पढ़ाऊँच लक्ष्मीधर सर ओडिया ग्रामर पढ़ाऊँच अनिल गृहचर्य सर ज्योग्राफी पढ़ाऊँच अम्यरंजन सर रिजनिंग पढ़ाऊँच सम्राट मिश्र सर इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊँच अभिषेक त्रिपाठी सर इंग्लिश पढ़ाऊँच पुरुषोत्तम मिश्र सर इकोनॉमिक सॉरी एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाऊँच देन सुभाषीष सर पॉलिटी पढ़ाऊँच ललित मोहन सर साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊँच एंड आशुतोष दास सर इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाऊँच. ओके देन वी हैव द अदर बैच दैट इज द समीक्षा ओसीएस फाउंडेशन बैच. दैट वन वाज द सामर्थ्य दैट वाज एएसओ सेक्रेटरीट बैच एंड दिस वन इज ओसीएस फाउंडेशन बैच दैट इज समीक्षा प्रिलिम्स मेन्स 2021 जो मैंने प्रिपेरेसन लगे 2021. ओके से बैचटा. ओके ए बसंत जेना सर एनसीएन हिस्ट्री पढ़ाऊँच सम्राट केसरी सर इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट पढ़ाऊँच आशुतोष दास सर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊँच अम्यरंजन सर सीएसईटी पढ़ाऊँच देन महावीर स्वाई सर इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊँच अनिल गृहचर्य सर मेडिकल हिस्ट्री पढ़ाऊँच आउ यही सब जो बैचेस गुड़ाक मुझे कहली जोटा कि करेन्टली रनिंग चलिए जब सब्सक्रिप्शन नेबार अच्छे जदि एनरोलमेंट सब्सक्रिप्शन नेबार अच्छे देन यू हैव टू परचेज दिस. ओके एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब दैट इज 1400 रुपीज पर मंथ. जदि आम 3 मंथ्स सब्सक्रिप्शन नेबा देन इट विल बी 3500 जोटा कि लेस देन 1280 पर मंथ. जदि आम 6 मंथ्स पे सब्सक्राइब करुच्छे देन इट विल बी 5600 दैट इज लेस देन 1000 एंड देन 1 ईयर पर जब हमें सब्सक्राइब करुच्छू देन इट विल बी 7000 ओनली दैट मीनस इट विल बी लेस देन 600 पर मंथ. एंड सब बेस्ट होती जो 2 ईयर सब्सक्रिप्शन 2 वर्षिकिया सब्सक्रिप्शन आमको मिले कौन 8400 रुपीज 2 ईयर सब्सक्रिप्शन मिल जोटा कि जो आम हिसाब करवा 350 रुपीज पर मंथ ओनली ही आसूस पर मंथ. यू हैव टू जस्ट इनवेस्ट 350 रुपीज like if you get this subscription that is 2 year subscription that is the best one. okay how is it 1 month ho kimba 3 months ho 6 months ho 1 year ho kimba 2 year subscription je kono si subscription re you will get 10% discount. okay you will get 10% discount and you will get that 10% discount when you will use this code that is the Bhupendra sir. la Bhupendra sir is my एजुकेटर रेफरल कोड. भूपेन्द्र सर यूज करेंगे कि भूपेन्द्र लाइव यूज करें आई कोडा यूज कले विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शन यू मेक एंड ए सब लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस गुड़ाक मिल सब लेसनस गुड़ाक टॉप एजुकेटर्स मैंने आसवे विकली क्विजेस डाउट क्लीयरिंग सेसन एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर. ओके देन सो लेट अस स्टार्ट नाउ. आज सेसन टाक आम स्टार्ट करदे जस्ट ए मिनिट गिव मी ए मिनिट इज द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 को आसो आम. सो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी पेडोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट इज पेडोजेनेसिस. जस्ट ए मिनिट पेडोजेनेसिस हमें कहाँ को कहूँ पेडोजेनेसिस मीनिंग होची इट इज द सिंपल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. इट इज द जेनेसिस ऑफ सॉइल और द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स. ओके आज आम जानी सॉइल फॉर्मेशन रो
बेसिक इंग्रेडिएंट्स गुड़ा कौन हम सोइल फॉर्मेशन बेसिक इंग्रेडिएंट्स गुड़ाक हम रॉक्स गुड़ाक वेदर्ड हम वियर्ड हम टीयर्ड हम ओके देन इरोजन हम बाय द एजेंट्स लाइक विंड वाटर ग्लासीयर एटसेट्रा ओशन वेव्स एंड देन फाइनाली सेटू सेडिमेंट्स आसो सेडिमेंट्स आसिक कौन हम अन्य जगह जाएगा डिपोजिट हो पाए ओके एंड दिज आर सम कॉमन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल दैट मे बी फिजिकल वेदरिंग हो पाए केमिकल वेदरिंग हो पाए कि बायोलॉजिकल वेदरिंग हो पाए जो आमर कॉमन बायोटा जो पृथ्वी अच्छा द्वारा भी सॉइल फॉर्मेशन हो पाए से गोटे स्टेप ओके आउ दैट इज वाई आंसर टा हम बी जदि माउंटेन फॉर्मेशन टा कह माउंटेन फॉर्मेशन टा आम कौन ओरोजेनेसिस ला पेडोजेनेसिस टा है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस एंड पेडोजेनेसिस टा हूँ दैट इज द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस ओके नंबर टू को आम आसवा नंबर टू रे आम देखा क्वेश्चन आसुची जस्ट ए मिनट नंबर टू रे आम क्वेश्चन आसुची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट सोर्स ऑफ टू स्टडी इंटीरियर ऑफ द अर्थ आम अर्थर इंटीरियर कथ पढ़ु अर्थर भितर कौन कौन अच्छी क्रस्ट है लेयर्स गुड़ाक डिवाइड करा हूँ क्रस्ट एटा हूँ मेंटल एटा हूँ कोर से सॉलिड नेचर रे अच्छे ये लिक्विड नेचर रे अच्छे से मिनरल अच्छी क्रस्ट रे मिनरल अच्छी मेंटल मेंटल रे मिनरल अच्छी कोर रे मिनरल अच्छी आउटर कोर लिक्विड अच्छी इनर कोर सॉलिड अच्छी है सब जो इनफर्मेसन गुड़ाक आम पाच अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ओके को सोर्सेस गुड़ाक नहीं पाच तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ आम पाखे सोर्स अच्छी गोटे है डायरेक्ट सोर्स दुईज जी गोटे तो है रक्स को स्टडी करें जानू पृथ्वी में जहाँ रक्स अवेलेबल अच्छी ताकू आम स्टडी करके जानू आई रक्स गुड़ाक फर्मेसन केमी से रक्स फर्मेसन होवार सिंपल वे हूँ वोल्केनिक इरप्शन से आसी जहाँ भी रक्स आम पृथ्वी पृष्ठ से देखु आज ना का ना के हला पूर्वर हजार हजार वर्ष पूर्वे लक्ष लक्ष वर्ष पूर्वे केबे ना केबे ओके मिलियंस ऑफ इयर्स एगो वोल्केनिक इरप्शन्स रु ही सेटा तैयारी है तो वोल्केनिक इरप्शन्स रु हो किंबा रॉक फॉर्मेशन रु हो सरफेस रॉक सरफेस रु हो एठु ही आमे कोन डायरेक्ट सोर्स टा जानि परछु डायरेक्टली आमे जानि परछु जे पृथ्वीर इंटीरियर रे रॉक गुडा को एबला थिबे तांकर मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट एबला थिबो को जगह रे सॉलिड थिबो को जगह रे लिक्विड थिबो ए सब जिन समय किछि किछि जानि परछु आ जोडा इनडायरेक्ट सोर्सेस गुडा इनडायरेक्ट सोर्सेस मन रखा इनडायरेक्ट सोर्सेस डायरेक्ट सोर्सेस तो दुईटा मन रखिले गोटे है रॉक आउ गोटे है वोल्केनिक इरप्शन इनडायरेक्ट सोर्सेस मन रखिपर मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वीर गोटे मैग्नेटिक फील्ड अच्छी से मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करके आम किसी जिनस जापर अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ है ग्रेविट को लेकिन ग्राविट एनोमेली को लेकिन ग्राविटेसन को लेकिन ताको आम जापर बिकज पृथ्वीर भितरक भितर गल कौन हो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स धीरे 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 बढ़ी बढ़ी चले तो सेठ कौन ग्राविटेन ग्राविटेशनल एनोमेली देखा जाए तापर अर्थक्वेक टाइप जिनस भी आम किसी जापर सिस्मिक है सिस्मिक एक्टिविटीज रु आम किसी जापर है सिस्मिक वेव्स मान को लेकिन देन मेटियोर्स जो गुड़ाक ऊपर आसिक पड़ू अन् टू द अर्थ सरफेस आ पृथ्वीर स्ट्रक्चरटा सिमिलर हो आमे मेटियोर्स मानक भी स्टडी करके उल्का पिंड गुड़ाक भी स्टडी करके आम जापर अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ तो दिजार मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटेशन ग्रेविटी एनोमेली सिस्मिक एक्टिविटीज मेटियोर्स यही सब गुड़ाक दिजार ऑल व्हाट दिजार इनडायरेक्ट सोर्सेस इनडायरेक्ट इनफर्मेसन गुड़ाक जोटा कि आम पाइक इंटरनाल स्ट्रक्चर विषय में जापर अर्थर और डायरेक्ट सोर्सेस आमर केवल दुईटा अवेलेबल अच्छे आईदार आम रॉक स्टडी करुचु कि वोल्केनिक इरप्शन्स जो मैग्मा एटसेट्रा बाहर ताको स्टडी करुचु हाला इनडायरेक्ट सोर्स आम आउ गोटे भी नहीं पार टेम्परेचर प्रेसर है टेम्परेचर प्रेसर को भी स्टडी करके आम जापर पृथ्वीर इंटरनाल स्ट्रक्चर विषय टेम्परेचर प्रेसर को भी नहीं पार सो दिज आर द इनडायरेक्ट सोर्सेस तो आम आंसर हम ये कौन डी नंबर थ्री को आसवा जो मैंने अच्छा देखुं दे कैन गिव देयर रिप्लाय ऑन द चैट बॉक्स रिप्लाय दे पारे ओके देखो मुझे धीर स्थिर भाव में पढ़ई चली जो मानक दरकार से मैंने धीर स्थिर है शुणा को पड़ो ओके जस्ट आम को दसटा क्वेश्चन डिस्कस कर हार्डली 22, 23, 25 मिनट्स भितर सर बट आम किसी शिखा जाणी जोटा कि आमको हेल्प कर नंबर थ्री आस नंबर थ्री हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मोस्ट डेंस लेयर ऑफ द अर्थ
एबे ही मु जस्ट कहूली जे आम जो अर्थ रु भरक जाऊ इफ दिस इज द अर्थ सरफेस इफ दिस इज द अर्थ सरफेस आम भरक गले कौन होमें गुड़ाए लेयर्स पाच बेसिकाली आम तीन टा लेयर अच्छे अर्थ इज डिवाइडेड इन टू थ्री लेयर्स तीन टा लेयर आम डिवाइड हो फर्स्ट लेयर टाक आम क्रस्ट बोली कौ द फर्स्ट लेयर इज द क्रस्ट द मिडिल लेयर इज नोन एज द मेंटल एंड द लोएस्ट लेयर इज नोन एज द कोर सब भितर लेयर टाक आम कोर बोली कौ ओके मैग्मा मान कौन मैग्मार अर्थ हो पृथ्वी इंटेरियर में जो भी कौन लिक्विड सेमी लिक्विड रक्स गुड़ाक अच्छी आम कौन कौन मैग्मा जो जगह भी लिक्विड रक्स आर देर मोल्टेन रक्स लिक्विड मोल्टेन रक्स जहाँ भी भितर अच्छे कहीं आम जी भितर को जीवा जमी आम एटमोस्फियर अर्थ सरफेस रु जब आम एटमोस्फियर ऊपर को जाऊँ टेम्परेचर कमी कमी चले बट इटे कौन हुए ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर रे रॉक भितर को जब आम जीवा है इंटरनाली आम जब मूव करवा कौन हम जिते भितर को जीवा प्रेसर और टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी चलो एंड बिकॉज़ ऑफ़ दैट रॉक्स गुड़ाक भितर कौन अच्छी किसी मोल्टेन वे अच्छी लिक्विड होके ओके आम मैग्मा बोली कहूँ तो जदि आम डेनसीटी कथा कह डेनसीटी कथा जितने आम कह क्रस्ट बिकज ये सब अच्छी या केवल एटमोस्फियरटा अच्छी या कौन पथर एटसेट्रा रॉक्स ना तो या सब कम प्रेशर पड़ुछे एंड बिकॉज ऑफ द लेस प्रेशर देर इज लेस डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रू 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भितर भेरी करुच्छे कौन दैट इज द डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट और आम अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट जहाँ को कहचु कंटिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट बोली ना भी दौचु तापर मेंटल मेंटल पार्ट को जब आसवा ये कौन टे अधिक हला 3 to 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आम जी तौक जावा व्हाट विल हैपन डेंसिटी विल कीप ऑन इनक्रीजिंग आ फाइनाली जितने आम कोर को पहुँचुचु हाला कोर रिजन को जितने आम पहुँचुचु बिकज एटा इनरमोस्ट लेयर था डेंसिटी इज वेरी वेरी हाई बिकज तापर अलरेडी कौन बहुत गुड़ाए रक्स रहा जोटा जहाँ उपर कि चारिड़ू कौन पड़ू हाई अमाउंट प्रेसर पड़ू एंड विद इन दिस प्रेसर हाला ये जगहटा कौन इट इज प्योरली मेड अप ऑफ मेटालिक स्ट्रक्चर्स ओके मेटालिक स्ट्रक्चर्स द्वारा तैयारी दैट इज वायर जो डेनसीट सब अधिक है 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो आगे बढ़िया 4.7 रू नहीं अप टू इट विल 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जाए रोचे कौन दिस द दैट इज द डेनसीटी अफ द इनर कोर इनर कोरटा 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जाए रोच आउटर कोरटा इट इज अबाउट 9.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओके सो दैट इज वाई आमर आंसर हम कोर डेनसेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर जोटा सब भितर अच्छे इनर मोस्ट लेयर नंबर 4 को आसवा अविनाश वेलकम नमस्कार ज्योतिर्मय पाणिग्राही गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून सो जो मैंने अच्छा चैट बॉक्स रे से माने आंसर दे पारे दे कैन शेयर देयर व्यूज ऑन दिस क्वेश्चंस नंबर 4 को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स फाउंड इन ओशनिक क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट कंटिनेंटल क्रस्ट आम पाखे क्रस्ट जहाँ भी अच्छे वी कैन डिवाइड और वी कैन से दिस क्रस्ट इन टू टाइप्स दि प्रकार आम कहीपरुँ किसी को आम कह दैट आर द कंटिनेंटल क्रस्ट जहाँ उपर कंटिनेंट्स गुड़ाक रहा ओके दिस इज द कंटिनेंटल क्रस्ट एंड ता तले रहा कौन दिस इज द ओशनिक क्रस्ट दैट इज द ओशनिक क्रस्ट है दिस इज द ओशनिक क्रस्ट एंड दिस इज द कंटिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट ऊपर कौन अच्छी देर इज द ओशन है ओशन टा रहा दिस इज द ओशन ओशन टा रहा दैट मीन सिंपल थिंग जदि आम कह क्रस्ट टोटल थिकनेस टा को देखा लाइफ वी लुक एट द लेट अस से दिस इज द क्रस्ट एंडिंग लाइटा है क्रस्ट ये सरुचर मेंटल टा स्टार्ट हम ये तले कौन अच्छे देर इज मेंटल तौक मेंटल टा अच्छे तो क्रस्ट को जब देखा जो जगह कंटिनेंट गुड़ाक रहा बिकज कंटिनेंट गुड़ाक अल्टीट्यूड अधिक अच्छे दैट इज वाय द क्रस्ट हाज मोर हाइट और मोर डेप्थ कहीपर अधिक डेप्थ अच्छी अधिक
तार ब्रेथ अधिक अच्छे ओके जोटा कि आम कहीपर कौन इट इज अप टू 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाए डीप हो पारे दैट इज द कंटिनेंटल क्रस्ट बट ओशनिक क्रस्ट के गोटे गोटे जगार कौन 5 किलोमीटर मात्र तार रोज कौन दैट इज द डेप्थ वाय बिकज दिज आर डिप्रेसन्स दिज आर नथिंग बट डिप्रेसन्स युवा कौन युवाक सब डिप्रेसन गुड़ाक ला जोटा कि ओशन तले पार्ट गुड़ाक क्रस्ट जो जो पार्ट गुड़ाक ह्यूज डिप्रेसन्स गुड़ाक अच्छे से जगह ओशन गुड़ाक बिकज दिज आर डिप्रेसन्स दैट इज वाय दे हाव लेस डेप्थ डेप्थटा कम अच्छे दे हाव लेस डेप्थ तो एबे गोटे जिनस आम सब मन रखा जो कंटिनेंटल क्रस्ट गुड़ाक कौ टाइप रक्स कंटिनेंटल क्रस्ट गुड़ाक मेनली दे आर मेडअप अफ व्हाट दे आर मेडअप अफ फेलसिक रक्स दे आर मेडअप अफ फेलसिक फेलसिक रक्स क्या कौच फेलसिक रक्स है से मैंने जो मानकर कौन अच्छे देर इज मोर सिलिका कंटेन्ट बालीर मात्राटा अधिक अच्छे ना देर इज मोर सिलिका कंटेन्ट सिलिका कंटेन्टा टी अधिक अच्छी बालीर मात्रा अधिक अच्छे ओके तो से गुड़ा कौन आम पथर पाइबा मेनली ग्रानाइट्स है ग्रानाइट पथर पाइबा आउ तार जो मेटामॉर्फिक फॉर्मटा पाइबा ग्नीस ग्रानाइट ग्नीस भाया पथर गुड़ाक आम मेनली पाच कौटी ऑन द कंटिनेंटल क्रस्ट दैट आर फेलसिक इन नेचर फेलसिक अर्थ हो मोर सिलिका मान एसीडिक दिज आर मेनली एसीडिक इन नेचर युवाक एसीडिक रक्स गुड़ा बट जोटा ओशनिक क्रस्ट अच्छी द ओशनिक क्रस्ट थी रक्स गुड़ाक दे आर मेनली मैफिक से गुड़ाक हूँ मैफिक रक्स गुड़ाक मैफिक रक्स अर्थ हो कौन दे आर मैफिक मीनस दे आर मेनली मेडअप अफ आयरन मैग्नेशियम सिलिका भी अच्छी बट मेटालिक कंटेन्टा अधिक अच्छी आयरन मैग्नेशियम अधिक अच्छी ओके दे आर मेनली सिलिका सल्ट अफ सिलिकन और सिलिका सल्ट अफ दैट इज आयरन मैग्नेशियम अधिक अच्छी जोटा कि कौन मेनली बासाल्ट टाइप रक्स वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द मैफिक रॉक इज बासाल्ट दैट कंटेन्स मोर आयरन एंड मैग्नेशियम देन सिलिका दैट इज बिकॉज सिलिका इज लेस दिज आर व्हाट दिज आर बेसिक रॉक्स और बेसिक प्रॉपर्टी मानकर अधिक दे आर नॉट एसिडिक दे आर बेसिक इन नेचर ओके तो मैफिकटा को मन रखा तो सब मन रखा ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट बासाल्टिक रॉक्स इट इज मैफिक इन नेचर दैट मीन्स more iron and magnesium less silica that is why it is basic in nature whereas the continental crust is made up of felsic rocks that is more silica content acidic in nature okay so number b will be the answer b option will be the answer number 5 ko asiba exactly Deepa Sahu jyotirmay panigrahi and Avinash Sahu jyotirmay tumhe kon delete kar dilo विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट अर्थ क्रस्ट मेजर एलिमेंट कौटा अर्थ क्रस्ट आम हंड्रेड सब एलिमेंट्स पाच मोर देन हंड्रेड एलिमेंट्स पाच अर्थर क्रस्ट पृथ्वी पर शहे रु भी अधिक शहे अठर खंडे एलिमेंट्स आम पाच मोर देन हंड्रेड एलिमेंट्स आम पाच तो से भर कौन होदि आम देखा एलिमेंट दैट इज प्रेजेन्ट मैक्सीम भूल कह कौन है देर इज नो प्रोब्लेम यार आंसर देवे जो मैंने जानते यार आंसर देवे अविनाश साहू कौन कह एलुमिनियम कह गुड है मार्क कर जो शहे प्रकार एलिमेंट्स भी अधिक जो अच्छी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट कही तो ऑक्सीजन को सब मन रखा ये आमको एलिमेंट पचार कौन बोली पचार एलिमेंट पचार ऑक्सीजन ऑक्सीजन को मन रखा ये अबाउट 46.5% और आम 47% भी कहीपर आउट ऑफ द हंड्रेड एलिमेंट्स लेटर से पृथ्वीटा शहेटा एलिमेंट्स रॉक गुड़ाक क्रसटा ताल तार 46.5 पार्टा हूँ केवल ऑक्सीजन जोटा कि कंपाउंड फॉर्म रे अच्छी ऑक्साइड फॉर्म रे अच्छी अन्य मेटल्स मान सहित और नॉन मेटल्स मान सहित जमी फॉर एग्जांपल एसआईओ2 मीन्स व्हाट बाली सिलिकाटा है कौन अच्छी सिलिकॉन भी अच्छी ऑक्सीजन ऑक्सीजनटा कंपाउंड फॉर्म रे अच्छी ऑक्साइड फॉर्म रे अच्छी तो सेकंडटा हूँ कौन सिलिकॉन सिलिकॉनटा हूँ अब अराउंड 28% 28% ऑफ द टोटल एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट से भितर हूँ 28% हूँ सिलिकॉन एल्युमिनियमटा थर्ड रे आस एल्युमिनियमटा कौन इट इज अबाउट 8% ऑफ द टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट आयरन विल बी एट द फोर्थ पोजिशन 5% है इट इज प्रेजेंट ओनली इन 5% युवाक आम मन रखा जदि आमको कह अर्थ क्रस्ट मेटालिक मिनेराल कौटा अधिक अच्छी मेटाल कौटा अधिक अच्छे
जदि से मेटालिक मिनेराल कि मेटाल पचारे जाए आंसरटा एलुमिनियम हम है इट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटाल मोस्ट अबंडेंट मेटाल किंबा से हमको आउ गोटे भी क्वेश्चन पचारि पार जो व्हिच इज द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटालिक मिनरल बोली पचार दबो हला नॉन मेटल कहले तो ऑक्सीजन ही हबो काहे कि गैस इट इज नॉट अ मेटल बट से जदी कहि दबो नॉन मेटालिक मिनरल ताहेले ऑक्सीजन हबो बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट अ मिनरल नॉट अ मिनरल ओके सिलिकॉन हबो आंसर जदी नॉन मेटालिक पचारिबो ओके तो ए केस रे हमको एलिमेंट पचारि छि तो एलिमेंट हबो कोन दैट विल बी बी ओके नंबर 6 को आसो Which of the following pairs volcanoes is or are correct matched correctly matched ये जो volcanoes आउ से माने थिबा located थिबा region सुडा को देई छी सेइ भीतर कोटा करेक्ट अछि ओके तो एटी जदि आमे देखिबा जो माने अछन दे से माने तांकर रिस्पोंस देई परिबे चैट बॉक्स रे दीपा साहू अविनाश ज्योतिर्मय पाणिग्राही सो आई एम कमिंग टू द आंसर हला ऑलवेज रिमेम्बर एटना हला माउंट एटना इट इज नाउ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड माउंट एटना इज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड प्रीवियसली द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड वाज माउंट किलू दैट इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन जोटा कि हवाई आईलैंडस बट नाउ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एटना दैट इज लोकेटेड इन सिसिली हला सिसिलीटा कौन सिसिली इज लोकेटेड हला जस्ट बिलो द मेन लैंड मार्क्स ऑफ इटाली इट इज एन आईलैंड ऑफ इटाली ओके सिसिली रे ही अछि एक्जेक्टली माउंट एटना इज ऑल्सो एक्टिव वोल्केनो इट इज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंट वेसुवियस इज ऑल्सो एक्टिव वोल्केनो दैट इज लोकेटेड इन इटाली हला एटना एंड वेसुवियस बोथ आर लोकेटेड इन इटाली वेयर एज माउंट क्रैकाटोआ माउंट क्रैकाटोआ इट इज एन डोरमेंट वोल्केनो हला डोरमेंट मीन्स व्हाट इट हैज नॉट इरप्टेड फॉर अबाउट 200-300 इयर्स हला बहुत वर्ष होगा इरप्ट होना बट देर आर चांसेस ऑफ इरप्शन हला एक्सटिंक्ट कहा जाए इट इज डोरमेंट वोल्केनो लोकेटेड इन द वेयर इट इज लोकेटेड मन रखियो मलाका स्ट्रेट मलाका स्ट्रेट कोठी अच्छी मलाका स्ट्रेट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज लोकेटेड बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया इंडोनेशिया मलेशिया मध्ये जो मलाका स्ट्रेटा अच्छे दैट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड 800 किलोमीटर लॉन्ग हला सही मलाका स्ट्रेट भितर ही ये जो वोल्केनोटा अच्छे दैट इज नोन एज द क्राकाटोआ दैट इज इन डोरमेंट वोल्केनो ओके तो ये दुटा ऑप्शन ठीक अच्छे टू भी थ्री अच्छी ठीक अच्छे थ्री भी ठीक अच्छे बट वाटा कौन है स्पेन दे दी जोटा कि एक्चुअली इटाली देवा कथा हला एक्जाक्टली एक्जाक्टली पूरा पूरा ठीक ओके तो दैट इज वाई आमर आंसर हम कौन सी टू एंड थ्री ओनली केवल दुई आउ तीन हम वन हम ना एटा मिसमैच हो जाए ओके नंबर सेवेन को आसवा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओशनिक क्रस्ट इज डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फर्स्ट पॉइंट ओशनिक क्रस्ट इज थिनर कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओके एटा कोटा हम कह हला एटा तो एबे जस्ट आम क्लीयरली डिस्कस कले ओशनिक क्रस्ट कौन कंटिनेंटल क्रस्ट कौन ओशनिक क्रस्ट रॉक्स गुड़ा कौ जिनस कंटिनेंटल क्रस्ट रॉक्स गुड़ा कौ जिनस ओशनिक क्रस्ट कंटिनेंटल क्रस्ट थिकनेस विषय भी डिस्कस कले डेनसीटी विषय भी टी आम डिस्कस कले तो फाइनाली आम से डिस्कसनस आम यहाँ पाऊ जो ओशनिक क्रस्ट इज डेनसर देन कंटिनेंटल क्रस्ट हला इट इज करेक्ट इट इज इट हैज मोर डेनसीटी व्हाय एबे आम जस्ट कहले ओशनिक क्रस्ट रे कौन अच्छी ओशनिक क्रस्ट इट इज मेड अप ऑफ व्हाट बासाल्ट एंड बासाल्ट इज व्हाट टाइप ऑफ रॉक बासाल्ट इज मेफिक रॉक मेफिक मीन्स बेसिक टाइप ऑफ रॉक दैट कंटेन्स मोर आयरन एंड मैग्नीशियम दैट मीन्स मोर मेटल्स देर आर मोर मेटल्स ओके वेयर एज कंटिनेंटल क्रस्ट जो कथा आम कह कंटिनेंटल क्रस्ट इज मोर फेल्सिक टाइप ऑफ रॉक फेल्सिक मीन्स आम से कौन कहले इट इज मेड अप ऑफ मेनली ग्रानाइट्स एंड ग्रीस हाला ग्रानाइट ग्नीस टाइप र पथर तैयारी जोटा कि बाली रा मात्रा अधिक थाए देर इज मोर सैंड हाला बाली अधिक थाए सिलिका अधिक थाए एबे सिलिकाटा होजी कौन इट इज नॉन मेटल
ଏବେ ସିଲିକାଟା ଅଧିକ ଓଜନିଆ ହେବ ନା ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକ ହେବ ନା ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକ ହେବ ବାସାଲ୍ଟର ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକ ହେବ ନା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ର ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକ ହେବ ଓଭିୟସ୍ଲି ବାସାଲ୍ଟର ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକ ହେବ ବିକଜ୍ ଦ ଓସେନିକ୍ କ୍ରଷ୍ଟ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ବାସାଲ୍ଟିକ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରକ୍ସ ହାଭିଂ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେଟାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ରଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ରଷ୍ଟ ଇଜ୍ ମୋର ଫେଲ୍ସିକ୍ ଟାଇପ୍ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଗ୍ନିସ୍ ଅଛି ସିଲିକା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବାଲି ଅଧିକ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ମେଟାଲ୍ ଟାଇପ୍ ତ ଏହାର ଡେନ୍ସିଟି କମ୍ ରହିବ ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି କରେକ୍ଟ ଓସେନିକ୍ କ୍ରଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଡେନ୍ସର ଦେନ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଓସେନିକ୍ କ୍ରଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଥିନର୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ଓଭିୟସ୍ଲି ଓସେନିକ୍ କ୍ରଷ୍ଟ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅଛି ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଥିନର୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ରଷ୍ଟ ଆମେ କହିଲେ ଅପ୍ ଟୁ 40 କିଲୋମିଟର ଯାଏ କ'ଣ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ଡେପ୍ଥଟା ବଟ୍ ଓସେନିକ୍ କ୍ରଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଇଭେନ୍ 5 କିଲୋମିଟର ବି ରହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭେରି ଭେରି ଥିନ୍ ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ଆର୍ ଆନ୍ସର୍ ୱିଲ୍ ବି ବୋଥ୍ 1 and 2 ବୋଥ୍ ୱିଲ୍ ବି କରେକ୍ଟ ଡେନ୍ସ ବି ଅଛି ଆଉ ଥିନର୍ ବି ଅଛି ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8କୁ ଆସିବ ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ଭୋଲକାନସ୍ ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଅର୍ ଆର୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଲା ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ଭୋଲକାନୋସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଅର୍ ଆର୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଅପ୍ସନ୍ରେ ମୋଲ୍ଟେନ୍ ରକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ରିଲିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭୋଲକାନୋସ୍ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ଆସ୍ଥନୋସ୍ଫିୟର୍ ଓକେ ଦ ରକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ରିଚିଂ ଦ କ୍ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମାଗ୍ମା ଦ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦ କ୍ରଷ୍ଟ ଇଜ୍ ହାୟର୍ ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆସିବା ମୋଲ୍ଟେନ୍ ରକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଏଠାରୁ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ବାଛିବାର ଅଛି ଓକେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟା ବାଛିବାର ଅଛି ମୋଲ୍ଟେନ୍ ରକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ରିଲିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭୋଲକାନୋସ୍ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ଆସ୍ଥେନୋସ୍ଫିୟର୍ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେତେବେଳେ ବି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ କଥା ମନେ ପକାଇବା ଆମର କ୍ରସ୍ଟା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ଟା ଅଛି କ୍ରସ୍ଟା କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ଦ କ୍ରସ୍ଟ ଇଜ୍ ମେଡ଼ ଅପ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ କ୍ରସ୍ଟ ଇଜ୍ ମେଡ଼ ଅପ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ ଆମେ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଲିଥୋସ୍ଫିୟର କ'ଣ ସେ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଇକି ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକି ଅଛି ଇଣ୍ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେଟ୍ସ ଆଉ ଲିଥୋସ୍ଫିୟରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଦ ହୋଲ୍ କ୍ରସ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଦ ସଲିଡ଼ ରକ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଅପର୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲା ଅପର୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ର କିଛି ପାର୍ଟ ବି ଯାଉଛି ଏଥିରେ ପୁରା କ୍ରସ୍ଟା ଯାଉଛି ଆଉ ଅପର୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ର ବି ଲୋୟର୍ ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକି ସଲିଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଯାଉଛି ତା ତଳେ ରହୁଛି ହେଲା ତା ତଳେ ୱିଦିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅର୍ ବିଲୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର୍ ହେଲା ଏଠି ଲିଥୋସ୍ଫିୟର୍ଟା ରହିଲା ଲିଥୋସ୍ଫିୟର୍ ତଳେ ଅଛି କ'ଣ ଆସ୍ଥେନୋସ୍ଫିୟର୍ ଆସ୍ଥେନୋସ୍ଫିୟର୍ ଇଜ୍ ଏ ଜୋନ୍ ୱେୟାର୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଟ୍ ପ୍ରେସର୍ ଆଉ ହିଟ୍ କାରଣରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ରକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପାର୍ସିଆଲି ମୋଲ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଅଛି ହିୟର୍ ୱି ଫାଇଣ୍ଡ ପାର୍ସିଆଲି ମୋଲ୍ଟେନ୍ ରକ୍ସ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସଲିଡ଼ ସମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ କିଛି ସଲିଡ୍ ଅଛି କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅଛି ହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପେଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଲେୟାର୍ ପେଷ୍ଟି ଲେୟାର୍ ହେଲା ତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି କନ୍ଭର୍ଜେନ୍ସ ହେଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଲିଥୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଭର୍ଜ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ କନ୍ଭର୍ଜ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଡେନ୍ସ ଥିବ ଲେଟ୍ ଆସ୍ ସେ ଦିସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଇଜ୍ ଡେନ୍ସର୍ ଦେନ୍ ଡେଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଡେନ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେନ୍ସର୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଆସ୍ଥେନୋସ୍ଫିୟର୍ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଭାସିକି ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ତଳକୁ ଦବିଯିବ ଓକେ ଡେନ୍ସର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ୱିଲ୍ ମୁଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହେଲା ଅର୍ ବିଲୋ ଦ ଲାଇଟର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଇଟର୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଟିକେ ଉପରେ ହେଇକି ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଡେନ୍ସର୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟା କ'ଣ ଦବିଯିବ କାହା ଉପରେ ୱିଦିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆସ୍ଥେନୋସ୍ଫିୟର୍ ଆଉ ଏଠୁ କ'ଣ ହେବ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ରକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେବ ତ ମୋଲ୍ଟେନ୍ ହେବ ହେଲା ସେଇ ମୋଲ୍ଟେନ୍ ରକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ତଳକୁ ଡାଉନୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବଟ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇ ପ୍ରେସର୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ମୁଭ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଭୋଲକାନୋସ୍ ଏଠୁ କ'ଣ ଭୋଲକାନୋସ୍ ତିଆରି ହେବ ଉପରେ ଓକେ ସୋ ମୋଲ୍ଟେନ୍ ରକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ରିଲିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭୋଲକାନୋସ୍ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ଆସ୍ଥେନୋସ୍ଫିୟର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଦେନ୍ ଏଇଟା ପୁରା ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି କରେକ୍ଟ ଅଛି ଦ ରକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ରିଚିଂ ଦ କ୍ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମାଗ୍ମା ଯାହା ବି ରକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଭୋଲକାନିକ୍ ଇରପ୍ସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଫର୍ମରେ ଯଦି ମାଗ୍ମାଟା ବା ରକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଭିତର ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ବଟ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏନି ଏକ୍ସନ୍ ଭୋଲକାନିକ୍ ଇରପ୍ସନ୍ସ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଇନ୍ ଦ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସେମି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ମ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ମାଗ୍ମା ତାକୁ ଆମେ ମାଗ୍ମା ବୋଲି କହୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଅର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍ରେ ତାପରେ ଲାଭା କୁହାଯାଏ ଓକେ ଦ ରକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ରିଚିଂ ଦ କ୍ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମାଗ୍ମା ହେଲା ତ ମାଗ୍ମା ନ କହିକି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିତରେ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ମାଗ୍ମା ବୋଲି କହୁଛୁ ବଟ୍ ଯେମିତି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା ନାଉ ୱି କଲ୍ ଇଟ୍ ଏଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଲାଭା ଦେନ୍ ୱି କଲ୍ ଇଟ୍ ଏଜ୍ ଲାଭା ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ଭିତରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ମାଗ୍ମା କହୁଥିଲେ ବଟ୍ ଯେମିତି ସେଇଟା ଉପରକୁ ଆସିଲା
रिचिंग आउट टू द सरफेस देन इट इज कॉल्ड लाभा ताको मैग्मा कहा ना ओके देन इट इज कॉल्ड लाभा सो दैट इज वाई द टू विल बी रॉन्ग डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज हायर देन दैट ऑफ मेटल ऑब्वियसली रॉन्ग अच्छी ना नहीं पूरा पूरी रॉन्ग अच्छी कहीं क्रस्टा अपर लेयरटा मेटलटा ता तले अच्छी तो जोटा जो लेयरटा तले अच्छी तार डेंसिटी अधिक हम से जगह रक्स गुड़ाक अधिक प्रेसर रही है कौन एस्टेनोस्फीयर से सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड नेचर रक्स गुड़ाक अच्छे जिते आम तल को जी डेंसिटा बढ़ी बढ़ी जी ओके तो से डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट केमी हायर हम डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट विल बी लोअर देन द मेंटल मेंटल रो डेंसिटी लोअर देन द कोर मेंटल रो डेंसिटी हायर देन द क्रस्ट कोर रो डेंसिटी हायर देन द मेंटल जे भीतर रहइबो तार अधिक रहइबो दैट इज व्हाई कोन आंसर विल बी ए नंबर 8 रो आंसर हबो ए ओनली वन इज करेक्ट ओके ओनली वन इज करेक्ट नंबर 9 को आसीबा With reference to the shield volcanoes, which of the following are true? They are the largest of all volcanoes. They are characterized by low explosively. La, Hawaii volcanoes are examples of shield volcanoes. यही तीन टाको हमें देखिबा. Okay. तो तापे गुटे मु डायग्राम दे छी एटी लुक एट दिस. La, this is called shield volcanoes. एडी कोन होउची? There is a magma chamber. La, magma chamber टा अछि. Okay. बिनिथ द क्रस्ट क्रस तले मैग्मा चेम्बर दिस इज द क्रस्ट क्रस भितर कौन मैग्मा गुड़ाक स्टोर हो मैग्मा स्टोर कौटू आसला से जो प्लेट्स गुड़ाक कौन है कनवर्ज कला कनवर्ज कर सबडक्शन जोन रु जो जगह से कौन कर फ्रिक्शन होती मैग्मा क्रिएट है मैग्माटा एस्टेनोस्फीयर रु ऊपर को उठिला क्रस तले दबिकी रहा क्रस तले आसिक स्टोर होगी मैग्मा चेम्बर बोली कहले से मैग्मा चेम्बर रु बिकज ऊपर को गले कौन हम प्रेसर कमुच तो हाई प्रेशर रीजन रु लो प्रेशर रीजन को कौन है से किसी पाइपलाइंस आसला आते कौन हो कंटिन्यूस वोल्केनिज्म कंटिन्यूस वोल्केनिज्म कंटिन्यूस वोल्केनिज्म कौन है देख फास्ट गोटे लेयर है लाभा पड़ा से कौन सॉलिडिफाई होगा पत्थर होगा आउ थ गोटे लेयर पड़ा से सॉलिडिफाई होगा लेयर्स आफ्टर लेयर्स लेयर्स आफ्टर लेयर्स कौन हो जो वोल्केनो चारिपटे गुड़ाए लेयर्स रॉक तैयारी ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मैग्मा ओके एंड फाइनली ये कौन इट लुक्स लाइक ए शील्ड जदि आम ऊपर देखा ये पूरा पूरी गोटे कैप्टन अमेरिकार शील्ड भाया देखा है सॉलिड लाभा लेयर्स गुड़ाक देखा जाला बुझे तो युवाक है कौन एनाटॉमी ऑफ द शील्ड वॉल शील्ड वॉल का ये या शील्ड वॉल का आउ गोटे जिनसा हूँ कौन एटा एक्सप्लोसिव नुह दे आर नॉट एक्सप्लोसिव ला दिज शील्ड वोल्केनोस आर नॉट एक्सप्लोसिव जो गुड़ाक एक्सप्लोसिव था एक्सप्लोसिव वोल्केनोस आर कॉल्ड स्ट्राटो वोल्केनो टर्म टा हूँ जो एक्सप्लोसिव स्ट्राटो वोल्केनो गुड़ाक देखा कौन दे आर दे हैव ए कोन लाइक स्ट्रक्चर स्ट्राटो वोल्केनो गुड़ाक स्ट्रक्चर टा कोन लाइक था बट जोटा कौन थी फ्लोइंग नेचर वोल्केनोस थी जो इरप्शन अति अधिक बड़ बड़ हो ना एत अधिक विराट बड़ इरप्शन होना नट टू मच इरप्टिव से आम सिल्ड वोल्केनोस कहला एंड दे गेट द स्लोली ग्रेजुअली कौन हम वर्ष वर्ष धरी शह शह हजार हजार वर्ष धरी एम गोटे ये स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जोटा कि जदि आम ऊपर देखा इट विल लुक लाइक ए सर्कुलर स्ट्रक्चर है गोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर भाया देखा हैविंग एन ओपनिंग हियर ओके दिज आर कॉल्ड सिल्ड वोल्केनोस तो सिल्ड वोल्केनोस जहाँ जहाँ भी देखिए दे आर द लार्ज ऑफ ऑल वोल्केनो ऑब्वियसली लार्ज हम कहीं स्टोर होोरेज दे आर नॉट टेकिंग अ ह्यूज फॉर्म दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनोस है आम कह कौन मौना लोआ है मौना लोआ वोल्केनो दैट इज लोकेटेड इन हवाई मौना लोआ वोल्केनो इन हवाई इट इज अ व्हाट इट इज अ सिल्ड वोल्केनो एक्चुअली हवाई हवाइन वोल्केनोस हवाई जोटा कि पैसिफिक ओशन अच्छी यूएस रोटे पार्ट है हवाई जोटा कि पैसिफिक ओशन अच्छी जोटा कि हवाई गुड़ाक वोल्केनिक आइलैंड्स गुड़ाक से जहाँ भी वोल्केनोस अच्छे एग्जांपल मौना लोआ है युवा सब कौन सिल्ड वोल्केनो मैंने बिकज दे आर ऑफ लार्जेस्ट ऑफ नेचर सब बड़ बड़ वोल्केनो मौना लोआ इज द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड ओके एंड दे आर लेस एक्सप्लोसिव मैं लो एक्सप्लोसिव है कम एक्सप्लोजन हुए फ्लोटा हुए ओके सो ऑल आर करेक्ट लास्ट क्वेश्चन को आसवा आज कम टू द लास्ट क्वेश्चन
ज्योतिर्मा पाणिग्रही अविनाश साहू ओके आउ जे आंसर दौले दौना दीपा साहू थैंक यू सो मच आंसर दौरान गुड लास्ट क्वेश्चन को आसवा नंबर टेन को व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक है यार आंसर देवे जो मैंने अच्छा जो मैंने अच्छा यार आंसर देवे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक कौटा मेटामॉर्फिक रॉक नु ला जदि आम ये देखा है ग्रानाइट ग्रानाइट सैंडस्टोन मॉड स्टोन सैंडस्टोन मॉड स्टोन ला सैंडस्टोन मॉड स्टोन दिज आर व्हाट दिज आर फॉर्म्ड बाय लेयर्स ऑफ सैंड सैंडस्टोन टा लेयर लेयर करी सेल डिपोजिशन द्वारा हेबा तयारी हुए आ मॉड स्टोन टा कोन हुए लेयर्स लेयर्स मॉड एकॉम्प्लिशमेंट हेबा जगु ला सॉलिडिफाई हे की मॉड स्टोन टा तयारी हुए सैंडस्टोन मॉड स्टोन दिज आर व्हाट दिज आर ऑल सेडिमेंटरी रॉक्स ला दिज आर ऑल सेडिमेंटरी रॉक्स एउडा को सब सेडिमेंटरी बट ग्रेनाइट ग्रेनाइट इज व्हाट ग्रेनाइट इज इग्नियस रॉक लाइट इज एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक इट इज एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक तो यहाँ कहीं लिखिली बिकज ऑल दिस ग्रानाइट ग्रानाइट रू आम आने कौन ग्नीस ग्नीस इज द मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ ग्रानाइट व्हाट इज मेटामॉर्फिक फॉर्म जो सब इग्नियस रॉक हूँ कि सेडिमेंटरी रॉक है इग्नियस हूँ गोटे रॉक कि सेडिमेंटरी होता जो कौन हो एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर पड़ो है इफ देर इज एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर देन इट विल मॉडिफाई ला से धीरे धीरे कौन हम तार केमिकल फिजिकल स्ट्रक्चर टा मॉडिफाई हम ला आउ से गोटे डिफरेंट रॉक भाया देखा ग्रेजुअल ओके याकू कहू आम मेटामॉर्फिक रॉक्स तो ग्रानाइट हूँ गोटे इग्नियस रॉक तार मेटामॉर्फिक फॉर्म टा चेंज फॉर्म टा हूँ कौन ग्नीस जस्ट लाइक दैट सैंडस्टोन रो मेटामॉर्फिक फॉर्म टा हूँ क्वार्टजाइट ओके देन मॉडस्टोन रो मेटामॉर्फिक फॉर्म हूँ स्कीस्ट ओके तो ए भितर पचारा कौटा मेटामॉर्फिक नुह ये तीन टा जाक मेटामॉर्फिक ए इज मेटामॉर्फिक सी इज मेटामॉर्फिक डी इज मेटामॉर्फिक है कौन लिखले धर्मेन्द्र ओपीएससी रो को एग्जाम माने एटा कौन पे डिस्कस होउची सेटा पचारुछु ओएस प्रीस एएसओ सीपीएससी एसआई ला एंड अदर ओ डबल एस सी एग्जाम ओडिशा रे जहाँ भी ला ओपीएससी प्रीलिम्स ला एग्जाम टा एएसओ एग्जाम टा ओके तापरे सीपीएससी एसआई जो ओडिशा एसआई किंबा अन्य जेकोसी ओ डबल एस सी हो कि ओ ट्रिपल एस सी जहाँ भी ओडिशा स्टेट एग्जाम गुड़ाक अच्छे से गुड़ाक ए डबल ई सिविल नॉन टेक्निकल पार्ट ओके नेक्स्ट मंथ रे स्टार्ट करवा कहीं मंथ्रे अलरेडी अलरेडी इट इज फिक्सड जहाँ आम अलरेडी प्लानिंग हो सारी आगुरी तो से क्लास गुड़ाक ही आमको ने पड़ो ओके नेक्स्ट मंथ्रे मे बी आम आनी नेक्स्ट मंथ रे ठीक अच्छे आम से गुड़ा क्लास गुड़ा किसी आनवा थैंक यू धर्मेन्द्र एमती इनफर्मेसन दे कौन आम किसी करें जोटा देव तुम्हें सब क्लास तो करें जोटा जहाँ को दरकार दे कैन आस्क लाइक धर्मेन्द्र डीड हियर से भाया कहले कौन आम प्लानिंग करसार आम तुम सुइटेबल क्लास गुड़ा देपर थैंक यू धर्मेन्द्र सो मु आज क्लासटा एंड करुच्ची या सहित देख कंग्लोमेरेट कंग्लोमेरेट क्या कहुए तार ना कौन केमी लगुच कह कंग्लोमेरेट ना शुणिले कमी लगुच कंग्लो कंग्लोमेरेट जमी लगुच बहुत गुड़ाए जिनस आसिक कौन है मिसी जाए कंग्लोमेरेटर अर्थ हूँ गुड़ाए जिनस को लेकिन या गोटे सयल है अल सयल स्ट्रक्चर कंग्लोमेरेट्रे कौन हुए सेडिमेंट डिपोजिशन हुए देर इज सेडिमेंट डिपोजिशन ला सेडिमेंट डिपोजिशन कहा द्वारा हुए दैट मे बी विंड द्वारा हो पारे ला किंबा ग्लासियर द्वारा हो पारे
विंड द्वारा ही परे, ग्लासियर द्वारा ही परे, ओके, किंबा ओशन वेव्स द्वारा ही परे, जे कोनोसी इरोजनल एक्शन ओके 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 धर्मेंद्र थैंक यू फॉर द इनफॉरमेशन ओके मुं तार सिलेबस एक्सेट्रा को टिके भित्ति करके नेक्स्ट मंथ रे क्लास उड़ा हला मे भी एक दुई तारीख रु आमे स्टार्ट कर दो ठीक अछि थैंक यू सब सेडिमेंट डिपोजिशन उड़ा हो छि विभिन्न प्रकार सेडिमेंट जेउटा कि आसु छि विभिन्न ग्लास इरोजनल एक्शन द्वारा जमति विंड इरोजनल एक्शन हो किंबा ग्लासियर द्वारा हो किंबा रिवर द्वारा हो किंबा अन्य कोनोसी इरोजनल एजेंट द्वारा हो जोटा कि आसि गोटे जगह रे कोन हो छि स्टोर हो छि ला बारंबार वर्ष वर्ष धरि गोटे जगह रे स्टोर हो छि माने कोन सेडिमेंट स्टोर हो मे बी ग्रेवल्स किछि थाइ परे मे बी मड किछि थाइ परे ला मे बी स्टोन्स किछि थाइ परे रॉक्स किछि थाइ परे एमति वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स ला गोटे स्पेसिफिक फॉर्म रो नो वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स एलुवियल सोइल थाइ परे हला ओके 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 धर्मेंद्र ओके ओके सो दैट इज व्हाई हमारा आंसर हम कोन कॉन्ग्लोमेरेट कॉन्ग्लोमेरेट हो जी दैट इज द आंसर बी इट इज सेडिमेंटरी सेडिमेंट रो हिची माने कोन इट इज सेडिमेंटरी ओके ओके ठीक अछि धर्मेंद्र थैंक यू फॉर द इनफॉरमेशन सो विथ दिस आज आम क्लासटा एंड करवा कल आम पुणी देखा कल आम मंथर लास्ट क्लासटा टुमोरो देन नेक्स्ट मंथ रे जो देखा जदि ए डबल जो सिविल ओपीएससी जो आणिक आसवाला देखिए मुझे सिलेबस देखी देन आई विल सेट अप द क्लास ओके ठीक अच्छे सो कल आम देखा 4 PM अगेन थैंक यू सो मच एवरीबॉडी हैव ए ब्यूटीफुल इवनिंग।